लेफ्टिनेंट मैम, स्कूल लाइफ आती है यार, का जमाना, वो एक दूसरे को बचाना, कोई एक परेशान हो तो सब मिल के उसको बस समझाना, वो साथ बात कर आना, मुस्कुराना, शरारत करके चुप हो जाना, वो पर्सेस और मैथ का पीरियड में सो जाना, ना भूलेंगे वो दिन और वो बातें, अगर कुछ है तो यादें है यादें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। नमस्कार, आज मैं आपके सामने लाया हूँ, बहुत याद आ रहा है स्कूल कविता। पढ़ रही हैं हम पे ये छुट्टियाँ भारी, पढ़ रही हैं हम पे ये छुट्टियाँ भारी, जैसे हमारी ज़िंदगी हो गई है सरकारी, जैसे हमारी ज़िंदगी हो गई है सरकारी। अब घर पर मन नहीं लगता, अब घर पर मन नहीं लगता, इसीलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल, इसीलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। अब बुरे फंसे हैं इस लॉकडाउन में, अब बुरे फंसे इस लॉकडाउन में, कभी गेम पीरियड में खेला करते थे स्कूल के ग्राउंड में, कभी गेम पीरियड में खेला करते थे स्कूल के ग्राउंड में। छुट्टियां बढ़ती ही जा रही हैं लगातार, छुट्टियां बढ़ती ही जा रही हैं लगातार, देखो कोरोना से हम कैसे हो गए हैं लाचार, देखो कोरोना से कैसे हम हो गए हैं लाचार। धन्यवाद। स्कूल याद आता है, स्कूल याद आता है, प्यारे प्यारे दोस्तों की याद दिलाता है, टीचर्स का क्लास में आना और हमारा गा के गुड मॉर्निंग मैम चिल्लाना स्माइल दे जाता है, वो टीचर्स के मुंडे पे हमारा शोर मचाना और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, बड़ा याद आता है, बड़ा याद आता है, स्कूल याद आता है, स्कूल याद आता है, फिर टीचर्स के मंत्र मुक्ति साइलेंट क्लास चिल्लाना, बड़ा याद आता है, बड़ा याद आता है, स्कूल याद आता है, स्कूल याद आता है, आपके बीच में टिफिन खाना और पानी पीने के बहाने पूरा स्कूल घूम के आना, वो टीचर्स की मार और उनका प्यार, बड़ा याद आता है, स्कूल याद आता है, स्कूल याद आता है। हेलो एवरीवन, आई एम ध्रुव। वो स्कूल बहुत याद आता है, वो टीचर की डांट फटकार, वो टीचर की मार, वो टीचर का प्यार बहुत याद आता है, वो स्कूल बहुत याद आता है, वो दोस्तों के साथ खेलना, वो दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाना, वो दोस्तों के साथ पढ़ना बहुत याद आता है, वो स्कूल बहुत याद आता है। आ गया कोरोना, हुआ लॉकडाउन, हुए स्कूल बंद, अब पूरा दिन घर में बैठे खराब जाता है, वो स्कूल बहुत याद आता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, आई एम दृष्टि। पढ़ रही हैं हम पे ये छुट्टियां भारी, पढ़ रही हैं हम पे ये छुट्टियां भारी, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है सरकारी, अब घर में मन नहीं लगता बिल्कुल, अब घर में मन नहीं लगता बिल्कुल, इसीलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल, इसीलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। अब बुरे फंसे इस लॉकडाउन में, कभी गेम पीरियड में खेलते थे स्कूल के ग्राउंड में, मुझे तो लगता है किताबों पर भी लग गई है धूल, इसीलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। याद आती है वो मैम की डांट फटकार, परांठों पर वो आम का अचार, अब तो लगता है कि हम पढ़ना लिखना ही ना जाएं भूल, इसीलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, एट गोरिया हरताल फ्रॉम सेकंड रूबी। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक। स्कूल मुझे मेरा बहुत याद आता है, सच में स्कूल मेरा मुझे बहुत याद आता है। टीचर का प्यार से गुड मॉर्निंग बोलकर ब्लैक बोर्ड पे चौक से हमको पढ़ाना और कभी कभी कार्टून एनिमेशन से सिखाना बहुत याद आता है। अब तो पापा हर दिन कार्टून सिखाते हैं, अब टीचर भी हर काम स्क्रीन पे पढ़ाती हैं, पर फिर भी स्कूल मेरा मुझे बहुत याद आता है। बालकनी से बाहर की दुनिया देख अपना मन बहलाता हूँ, खुली हवा में खेल ले की चाहत मन में दबाता हूँ,
इस नन्हे दिल की फरियाद सुन लो, करोना छोड़ के चले जाओ इस दुनिया को, अब बस भी करोना, थोड़ा तो रहम करो इस बचपन पे, मुझे है स्कूल जाना, सच में स्कूल मेरा मुझे बहुत याद आता है, थैंक यू। मैम, माय नेम इज नवी कौर। टुडे आई स्टार्ट पोएम स्कूल याद आता है, वो स्कूल बहुत याद आता है, दोस्तों की याद दिलाता है, अध्यापक का क्लास में आना और उन्हें देखकर चिल्लाना बहुत याद आता है, दोस्तों के साथ की गई मस्ती बहुत याद आती है, मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आता है, बाय बाय। Morning to all. My name is Akira Singh. I am from 3rd B. Topic is याद आता है स्कूल। पढ़ रही है ये छुट्टियां हम पर भारी, पढ़ रही है ये छुट्टियां हम भारी, जैसे हमारी जिंदगी होगी सरकारी, जैसे हमारी जिंदगी होगी सरकारी, अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। हम बुरे फंसे इस लॉकडाउन में, हम बुरे फंसे इस लॉकडाउन में, जब गेम पीरियड में खेलते थे स्कूल के ग्राउंड में, मुझे लगता है कि किताबों पर भी लग गई है धूल, मुझे तो लगता है किताबों पर लग गई है धूल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, मैं हूँ अवनीत, कक्षा 3। याद मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ, उसका नाम है स्कूल याद आता है। पढ़ रही हैं ये छुट्टियाँ हम पर भारी, पढ़ रही हैं ये छुट्टियाँ हम पर भारी, लगता है हमारी जिंदगी होगी है सरकारी, लगता है हमारी जिंदगी होगी है सरकारी, अब घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए याद आता है स्कूल, इसलिए याद आता है स्कूल। हम पूरे फंसे इस लॉकडाउन में, हम पूरे फंसे इस लॉकडाउन में, कभी खेलते थे ग्राउंड पीरियड में ग्राउंड में, कभी खेलते थे ग्राउंड पीरियड में ग्राउंड में, अब मुझे लगता है हमारी किताबों पर भी लगी है धूल, अब मुझे लगता है हमारी किताबों पर भी लगी है धूल, इसलिए याद आता है स्कूल। अब छुट्टियों से मन भर गया फुल, अब छुट्टियों से मन भर गया स्कूल, इसलिए याद आता है स्कूल, थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम कार्तिक है, मैं 3rd B का छात्र हूँ, मेरी कविता है मुझे स्कूल बहुत याद आता है, कि जिंदगी भी कितनी अजीब है, आज हम लॉकडाउन के कारण घर में है और याद आ रही है स्कूल की, जब स्कूल जाया करते थे तो हर पल यही सोचा करते थे कि काश कल स्कूल की छुट्टी हो, उन दोस्तों से बात ना हो, जिनसे कटती हो, और आज जब स्कूल बंद है तो फिर तब एहसास हो रहा है कि शायद वही लम्हे वही दिन हमारे लिए जन्नत थी, अब लगता है कि जल्दी से स्कूल खुल जाए और हम अपने दोस्तों के साथ कुछ मीठा कुछ खट्टा खाएं, मुझे स्कूल बहुत याद आता है, थैंक यू। सुप्रभात, मेरा नाम कार्तिक है, मैं 3rd B का छात्र हूँ, मेरी कविता है मुझे स्कूल बहुत याद आता है, कि जिंदगी भी कितनी अजीब है, आज हम लॉकडाउन के कारण घर में है और याद आ रही है स्कूल की, जब स्कूल जाया करते थे तो हर पल यही सोचा करते थे कि काश कल स्कूल की छुट्टी हो, उन दोस्तों से बात ना हो, जिनसे कटती हो, और आज जब स्कूल बंद है तो फिर तब एहसास हो रहा है कि शायद वही लम्हे वही दिन हमारे लिए जन्नत थी, अब लगता है कि जल्दी से स्कूल खुल जाए और हम अपने दोस्तों के साथ कुछ मीठा कुछ खट्टा खाएं, मुझे स्कूल बहुत याद आता है, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हनुमका चिमा है, मेरी कक्षा 3 की है, आज मैं आपको हिंदी की कविता सुनाना चाहूंगी, स्कूल बहुत याद आता है। पढ़ रही है हम पे ये छुट्टियां बारी, पढ़ रही है हम पे ये छुट्टियां बारी, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है सरकारी, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है सरकारी,
अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, इसलिए स्कूल बहुत ज्यादा आता है, इसलिए बहुत स्कूल जाता है। बुरे फंसे इस लॉकडाउन में कभी गेम पीरियड में खेलते स्कूल के ग्राउंड में, कभी गेम पीरियड में खेलते स्कूल के ग्राउंड में। मुझे तो लगता है किताबों पर भी लग रही है धूल, मुझे तो लगता है किताबों पर भी लग रही है। मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आता है, मुझे मेरा स्कूल बहुत याद आता है। धन्यवाद। फ्रॉम थर्ड एमरल्ड आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक हिंदी कविता जिसका नाम है स्कूल बहुत याद आता है, पढ़ रही हैं ये छुट्टियां हम पर भारी, पढ़ रही हैं ये छुट्टियां हम पर भारी, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है सरकारी, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है सरकारी। अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। देखो कैसे बुरे फंसे इस लॉकडाउन में, देखो कैसे बूढ़े फंसे इस लॉकडाउन में, पहले गेम पीरियड में खेलते थे स्कूल के ग्राउंड में, पहले गेम पीरियड में खेलते थे स्कूल के ग्राउंड में। याद आ रही है मैडम की वो डांट फटकार, याद आ रही है मैडम की वो डांट फटकार, परांठों पर वो आम का अचार, परांठों पर वो आम का अचार। छुट्टियां बढ़ती जा रही है लगातार, छुट्टियां बढ़ती जा रही है लगातार, देखो कोरोना से कैसे हम सब हो गए लाचार, देखो कोरोना से कैसे हम सब हो गए लाचार। सुबह जल्दी तैयार होना, कभी पेंसिल और कभी इरेजर खोना, बस अब छुट्टियों से मन भर गया है फूल, बस अब छुट्टियों से मन भर गया है फूल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंजी एंड आई एम गोइंग टू टेल अ पोयम। द नेम ऑफ द पोयम इज याद आता है स्कूल, पढ़ रही है हम पर ये छुट्टियां भारी, पढ़ रही है हम पर ये छुट्टियां भारी, जैसे हमारी जिंदगी हो गई है सरकारी, अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, अब घर पर मन नहीं लगता बिल्कुल, इसलिए बहुत याद आ रहा है स्कूल। कभी खेलते थे स्कूल ग्राउंड में, कभी खेलते थे स्कूल ग्राउंड में, अभी फंसे हैं इस लॉकडाउन में, ऐसा लगता है किताबों पर जम गई है धूल, ऐसा लगता है किताबों पर जम गई है धूल, इसलिए बहुत याद आता है स्कूल। याद आती है मैडम की वो डांट फटकार, याद आती है मैडम की वो डांट फटकार, पराठों पर वो आम का अचार। छुट्टियां बढ़ती ही जा रही हैं लगातार, डर लगता है कहीं पढ़ना लिखना ना जाए भूल, इसलिए बहुत याद आता है स्कूल। याद आती है सुबह जल्दी उठकर तैयार होना, याद आती है जल्दी सुबह उठकर तैयार होना, स्कूल में कभी पेंसिल तो कभी इरेजर का खोना, अब तो छुट्टियां में से मन भर गया है फूल, अब तो छुट्टियों से मन भर गया है फूल, सच में बहुत याद आ रहा है स्कूल। थैंक यू।